तो इसका स्टीयरिंग रोटेशन भी साथ के साथ चेक कर लेते हैं। बहुत गुड है इसका। अब जी तो आज एक साल कंप्लीट कर लिया हमने यूट्यूब पे। एक तरफ खुशी भी हो रही है और एक तरफ थोड़ा सा मन खराब भी हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है, देखो एक साल हो गया, 365 दिन हो गए वीडियो डालते हुए। टोटल व्यूज है चैनल पे 1,10,000 कुछ हैं और सब्सक्राइबर कितने हैं 465 प्लस हैं कुछ हैं, 470 कुछ ऐसी हैं। तो देखो आप 1,00,000 में से कितनी जनता ने मुझे सब्सक्राइब किया है एक साल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है जब सपोर्ट नहीं दिख पाता, लेकिन मैं अपने पूरे एफर्ट लगाता हूँ यूट्यूब पे, आपको बहुत बढ़िया नॉलेज देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, बस यही कहना चाहता था। तो एंजॉय करो वीडियो आगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो, फिर से एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि जो लोग कहते हैं कि वैगनार आल्टो इनका जो है स्टीयरिंग रोटेशन है या स्टीयरिंग का फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ऐसा क्यों कहते हैं, मैं आज आपको बता देता हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, देखो कम स्पीड में जब गाड़ी होती है तो टायर की भी स्पीड कम होती है, जिससे कि जब हम स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो हमें स्टीयरिंग ज़्यादा घुमाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम व्हील की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही वो जाता है 100-120 पे, तब क्या होता है, जो व्हील की स्पीड होती है वो एक्सटेंड होती है, यानी कि बढ़ जाती है, जिससे कि हमें थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है और जिससे कि हमारी गाड़ी है वो इधर से बहुत जल्दी ट्रैवल हो जाती है। तो ऐसा पता नहीं क्यों कहते हैं कि कम पे क्यों होता है ऐसे, यानी कि कम रेंज की जो गाड़ी आता है। तो देखो अब इसमें भी यही है, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो अब मैं मोड़ रहा हूं इसको, तो अब देखो क्या है, जो स्पीड है वो है 20। तो अब देखो अगर मुझे इस लेन में जाना है तो देखो मुझे कितना स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा है, आधे से भी ज्यादा। देखा आपने, ये देखो ये स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स देखो, और जैसे ही हम थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं ये आवाज थी उसकी, जो उसका सेंट्रल लॉक होता है 20 की स्पीड पे, स्पीड लॉक। तो अब देखो जैसे ये गाड़ी आई 40 की स्पीड पे, तो अब मुझे देखो उस तरफ में जाना है तो देखो कितना सा घुमाना पड़ रहा है। तो मोड पे थी अब 50 की स्पीड पे, ये देखो। तो अब मुझे उस लेन में जाना है तो देखो कितना सा घुमाना पड़ रहा है, गाड़ी पूरी घूम रही है इधर से उधर। तो चलो घुमा लेते हैं गाड़ी को। तो इसका स्टीयरिंग रोटेशन भी साथ के साथ चेक कर लेते हैं। बहुत गुड है इसका। अब जिसकी वैगनार का नहीं होता उसका या तो खराब होएगा स्टीयरिंग मोटर जो होती है उसमें, या बुश वगैरह में दिक्कत होगी। तो अब देखो गाड़ी आई, तो अब गाड़ी है 70 पे, तो अब बिल्कुल ही कम करना पड़ेगा। तो ये देखो ना मात्र, तो ये होता है इसका जो फंडा होता है ना सारा स्पीड के ऊपर होता है। तो देखो गाड़ी कितने से में घूम रही है, एक बार इसकी स्टीयरिंग रोटेशन देख लेते हैं फिर से। बहुत शानदार है इसकी। तो चलो अब मोड़ लेते हैं, मुझे अपने घर भी जाना है। तो देखो क्या करना होता है,
तो बस यही था मेरा आज का वीडियो का टॉपिक। जो लोग कहते हैं ना कि वैगनर आल्टो का स्टीयरिंग सही नहीं है, तो ये सारा फंडा होता है क्योंकि कम स्पीड में क्या होता है, व्हील जो होते हैं कम घूम रहे होते हैं, जिससे कि उसको जो डिस्टेंस होती है वो कवर करने में ज्यादा टाइम लगता है। और जब स्पीड ज्यादा हो जाती है तो क्या, तब क्या होता है, डिस्टेंस जो है, टाइम जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि कम स्पीड है। अगर आप मान लो कि गाड़ी चल रही है 10-20 की स्पीड पे, अगर हमने मोड़ना है तो व्हील की स्पीड तो बहुत कम है उस टाइम, तो व्हील को क्या है, ट्रैवल होने में उस तरफ, यानी कि उस तरफ जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो व्हील की जो स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि 60-70 पे, अब मैंने आपको करके दिखाया कितना सा मोड़ना होता है, तो ये कुछ होता है इसका फंडा सारा, मैंने आपको बता दिया। और स्टीयरिंग रोटेशन इसका इसलिए बैक हो गया क्योंकि इसके मोटर में और टायर प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बुश वगैरह जो होती हैं इसके सारा ओके है, मैंने आपको बता दिया। आप जिसकी वैगनार का नहीं होता तो एक बारी आप चेक कराओ ऑथराइज्ड वर्कशॉप से या फिर जहाँ भी आप दिखाते हो गाड़ी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो का टॉपिक। आज चैनल ने 1 साल कंप्लीट कर लिए हैं यूट्यूब पे, 1 साल से मैं वीडियो रेगुलरली डाल रहा था पर आपका सपोर्ट इतना नहीं दिख पाया,